अस्सलाम वालेकुम। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज असेसमेंट एंड इंटरवेंशन। अब हम आ जाते हैं कि असेसमेंट बेसिकली क्या होती है। असेसमेंट को उर्दू में हम कहते हैं पैमाइश, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज साइकोलॉजिकल असेसमेंट या नफ्सियाती पैमाइश। नफ्सियाती पैमाइश की तारीफ हम इन अल्फाज में कर सकते हैं। ये एक ऐसा अमल है जो कि मुनज़्ज़म तरीके से फर्द से मालूमात इसके माहौल के हवाले से हासिल करता है। यानी कि जब हम फर्द से मालूमात लेते हैं तो उसके माहौल को जेहन में रखते हुए ये मालूमात ली जाती हैं ताकि हम किसी फैसले पर पहुंच सकें, और ये जितना भी फैसला किया जाता है वो उन्हीं मालूमात पर मबनी होता है जो कि फर्द के पाए जाने वाली दिलचस्पियों से फर्द ही की मदद से हासिल किया जाता है, ठीक है। एक माहिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के सामने बहुत सारे सवालात अहम हैं, जैसा कि मरीज इस वक्त कौन से मसाइल का शिकार है, उसके अंदर कोई जहनी बीमारी तो नहीं है, किस तरीके से वो अपने मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहा है, मरीज के माजी कैसा था, मरीज के माजी से मालूम शुदा मालूमात को किस तरीके से मौजूदा मसाइल को हल करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और फ्यूचर में उनका क्या रोल होगा। ये सारे जो चीज़ें हैं ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट में शामिल हैं। नेक्स्ट है कि स्टेप्स क्या होते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट के। सबसे जो पहला मरहला होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का वो ये होता है कि वो क्वेश्चंस को तरतीब देता है क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को देखते हुए, ठीक है। ये सवालात फर्द के या फिर जो उसको रेफर करता है उससे पूछे जा सकते हैं। रेफरल से मुराद मरीज का कोई फैमिली मेंबर, वालदैन या फिर कोई भी फिजिशियन, डॉक्टर, या अगर वो कोई जॉब करता है तो उसका जो बॉस है वो रेफरल हो सकता है। दूसरे दर्जे पर माहिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मरीज से मालूमात हासिल करने के लिए कुछ मकासद को का तयन करता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि ये असेसमेंट करने के बाद ये ऑब्जेक्टिव्स मैं हासिल कर लूँगा, ठीक है, या मेरी ये मालूमात लेने का मकसद क्या है। तीसरे दर्जे पर जो मालूमात मरीज से हासिल की गई हों उनकी जाँच पड़ताल की जाती है, यानी बाकी जो भी डाटा अवेलेबल हो उससे उन मालूमात को क्रॉस चेक किया जाता है। चौथे मरहले पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मरीज की फराहम करदा मालूमात से मवाद को जमा करता है, और ये मवाद मरीज की मालूमात जो कि इसके माहौल से मुतालिक इसमें शामिल है और जो मरीज का मुशाहिदा किया गया वो भी इसमें शामिल होता है। यानी कि ना सिर्फ ये कि जो हमने खुद मरीज से मालूमात ली है बल्कि उसके साथ साथ उसका माहौल, ठीक है, और उसके जो मरीज की हमने बाकी ऑब्जर्वेशन की है उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। पांचवें मरहले पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फैसला साजी करता है, और ये फैसला मरीज की फराहम करदा मालूमात और मवाद जो जमा कराया गया हो उसकी बुनियाद पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या नफ्सियाती आजमाइशें किसे कहा जाता है। नफ्सियाती आजमाइशों से मुराद वो आजमाइशें हैं जिनसे अफराद की नफ्सियाती और फितरी तकाजों और ख्वाहिशात के मुताबिक उनकी सलाहियतों, उनके रोजानात, उनकी ख्वाहिशात, उनकी कारकर्दगी और उनकी शख्सियत के औसाफ किरदार की जांच पड़ताल की जाती है। नफ्सियाती आजमाइशों की मदद से न सिर्फ फर्द की सलाहियतों को जांचा जा सकता है बल्कि उसके साथ साथ उसकी इनफरादी इख्तलाफात, इनकी मखसूस ख्वाहिशात, उनकी डिस्पोजिशंस, उनकी पेशावराना सलाहियतें और फर्द की जहनी और नफ्सियाती उलझने, उनका भी खोज लगाया जाता है। गिलफर्ड के मुताबिक नफ्सियाती आजमाइशें फर्द के इनफरादी इख्तलाफात का तजिया करती हैं और उसकी जहनी सलाहियतों और शख्सियत की जाँच पड़ताल करती हैं। इसके नज़दीक नफ्सियाती आजमाइश एक ऐसा अमल है जिसमें बाज़ जहनी सलाहियतों की तलब होती है जिनसे कारकर्दगी की खूबी का अंदाजा लगाया जाता है। मुख्तसर तौर पे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट से मुराद जहानत, शख्सियत, ठीक है, एप्टीट्यूड की आजमाइशें और दीगर ऐसे पैमाने रखते हैं जिससे लोगों के रुझान का, उनकी दिलचस्पियों का और उनकी प्रेफरेंसेस की जांच पड़ताल की जा सके।
ठीक है, बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट इज मेजर ऑफ सैंपल ऑफ बिहेवियर। ठीक है, नफ्सियाती आजमाइशों का इस्तेमाल दिन ब दिन तालीमी नफ्सियात में, टीचर्स की ट्रेनिंग में, एडमिशन स्कूल और कॉलेज के लिए, दफ्तर में जो पेशेवराना सलाहियतें होती हैं उनकी जांच पड़ताल के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके साथ साथ फर्द की ज़हनी मुश्किलात और मसाइल को जानने के लिए भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आजकल नफ्सियाती आजमाइशों का इस्तेमाल बहुत सारे शोबों में किया जाता है। अब हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट कौन से हैं। बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट एप्टीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए होते हैं। एप्टीट्यूड क्या होता है? व्हाट एन इंडिविजुअल कैन डू, एक इंसान क्या कुछ कर सकता है। ठीक है, उसका रुझान क्या है, उसकी इस्तेदाद क्या है, उसका मुताला करने के लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं पर एमएससी साइकोलॉजी में एडमिशन लेना है तो आपसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। आपने कहीं मेडिकल के लिए जाना है तो आपका पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। आप इंजीनियरिंग में दाखिला लेना चाहते हैं तो पहले आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए बहुत सारी बैटरीज भी हैं जिनमें जीएटी शामिल है। ठीक है, और डीएटी शामिल है और जीएटी भी मशहूर जो है वो एप्टीट्यूड बैटरीज हैं, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जिनमें से बहुत ज्यादा मशहूर है। फिर अचीवमेंट टेस्ट है, व्हाट एन इंडिविजुअल विल डू, के कोर्स ऑफ स्टडी पढ़ने के बाद इंसान क्या कुछ अचीव कर सकता है। ठीक है, व्हाट एन इंडिविजुअल विल डू, उसकी जो असेसमेंट होती है उसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, नफ्सियाती आजमाइशों की जांच के मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है, जिनमें इंटरव्यू, केस स्टडी यानी कि मुताला अहवाल, ऑब्जर्वेशन और नफ्सियाती आजमाइशें शामिल हैं। यानी नफ्सियाती आजमाइशें एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम जरूरी मवाद को न सिर्फ हासिल करते हैं, ठीक है, बल्कि उसकी जांच पड़ताल भी करते हैं। नफ्सियाती जांच में और आजमाइश में फर्क होता है। ठीक है, नफ्सियाती जो आजमाइशें होती हैं उनके अमल से मुराद अपराध की नफ्सियाती आजमाइशें देना, उनकी स्कोरिंग करना, ठीक है, और उनकी तशरीह करना है। ये जरूरी नहीं है कि आजमाइश के जरिए से किसी सवाल का जवाब या मसले का हल तलाश किया जाए। ठीक है, कई दफा महज मालूमात हासिल करने के लिए भी, यानी किसी इंसान को जानने के लिए भी उसके ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किया जाता है। नफ्सियाती आजमाइश में मुख्तलिफ अफराद का एक ही नफ्सियाती खसूसियात पर मुकाबला किया जा सकता है। जैसे हम ये चेक कर सकते हैं कि डोमिनेंस किस किस में कितनी ज्यादा है। ठीक है, अचीवमेंट का मोटिव किस में किस कदर ज्यादा है, नर्चरेंस का मोटिव किस में किस कदर ज्यादा है, एग्रेशन का मोटिव किस में किस कदर ज्यादा है। ठीक है, और इनफरादी तरीके से भी इसकी पैमाइश की जा सकती है कि एक इंडिविजुअल के अंदर कौन सी खसूसियात ज्यादा है और कौन सी खसूसियात कम है। ठीक है, जांच के अमल में साइकोलॉजिस्ट बराह-ए-रास्त फर्द के मसाइल में शामिल होता है और उसके साथ बराह-ए-रास्त राब्ता में होता है। नफ्सियाती आजमाइशें फर्द के साथ ज़ाती तौर पर मिलना जरूरी नहीं होता। हम ग्रुप सेटिंग में भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है वो उनकी असेसमेंट कर सकते हैं। यानी ये इंडिविजुअल भी की जा सकती है और ग्रुप की सूरत में भी की जा सकती है। नफ्सियाती जांच एक मुतहरक अमल है। ठीक है, इट्स अ डायनामिक प्रोसेस जिसमें मामूल की सलाहियतों और माहिर की जांच के अमल में वक्त के साथ साथ तब्दीली होती रहती है। इसके मुकाबले में जो नफ्सियाती आजमाइशें होती हैं ये एक जामिद अमल है जिसमें फर्द की मौजूदा जहनी सलाहियतों और कमजोरियों को अटल समझा जाता है और उसकी बिना पर उसके बारे में फैसले किए जाते हैं। नफ्सियाती आजमाइश का अमल इस लिहाज से खासा महदूद है कि इसके नतायज और उनकी बुनियाद पर कायम करदा फैसले सिर्फ और सिर्फ आजमाइश से हासिल करदा मालूमात के ऊपर मुतय्यन होते हैं। इसके मुकाबले में नफ्सियाती जांच में मसाइल को कई पर्सपेक्टिव से देखा जाता है और उन्हें हल करने के लिए मुख्तलिफ सोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट तरीकों से मसाइल का हल निकालने की कोशिश की जाती है। नफ्सियाती आजमाइश में सारी की सारी तवज्जो आजमाइश को मुकम्मल करने और उसकी स्कोरिंग पर होती है, जबकि नफ्सियाती जांच में स्कोरिंग के अलावा दूसरे अवामिल भी शामिल होते हैं। नफ्सियाती जांच में फर्द की मुमकिन सलाहियतों की
जांच पड़ताल की जाती है ताकि उनकी सलाहियतों को बरकरार लाकर फर्द तरक्की कर सके। इसके मुकाबले में नफसियाती जांच में फर्द की खूब खामियों और कमजोरियों पर तवज्जो दी जाती है। लफ्ज जांच यानी कि असेसमेंट से मुराद है कि किसी चीज को किसी खास मकसद के तहत पर रखना, जबकि आजमाइश यानी कि टेस्टिंग से मुराद है किसी का टेस्ट लेना और अगर वो टेस्ट के मेयार पर पूरा नहीं उतरेगा तो वो फेल शुमार होगा। टेस्ट में इस बात में दिलचस्पी नहीं ली जाती है कि फर्द में कौन सी सलाहियतें हैं और उन्हें किस तरीके से उजागर किया जाता है। अब हम आ जाते हैं कि इंटेलिजेंस के टेस्ट कौन कौन से हैं। इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, ठीक है, जहानत किसे कहते हैं, बामकसद अमल करना, इस्तदलाली अंदाज में सोचना और माहौल से मौसर अंदाज में निमटने का नाम जहानत है। To act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with respect to environment is known as intelligence. ठीक है, intelligence testing की बात करें तो उसमें बीने साइमन का टेस्ट है। ठीक है, बीने साइमन के टेस्ट की अगर हम बात करें तो 1890 में कटेल ने सबसे पहले जेनी आजमाइश का नाम दिया। ठीक है, फिर 1904 में मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में बीने को ये टास्क सौंपा कि आप ऐसी जहानत का आजमाइश कर बनाएं जिससे हमें पता चल सके कि कौन से बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर सकते हैं और कौन से बच्चों की जहानत इतनी नहीं है कि वो स्कूल की जो क्या कहते हैं कि तालीम है उसको हासिल कर सके। ठीक है, यानी कि कैसा मारूजी तरीका था जिसकी बिना पर जहनी तौर पर पसमानदा और नॉर्मल बच्चों में फर्क किया जा सके। ठीक है, इसकी बिना पर जो है वो 1905 में पहला टेस्ट बनाया गया जिसमें 30 अटेम्प्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में रखे गए जो कि 14 साल से 12 साल के बच्चों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया गया जो कि आज तक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है स्टैनफोर्ड बी ने, और इसमें डिफरेंट चेंजेस वक्त के साथ साथ आती रही। फिर वेज आया जो कि एडल्ट की आजमाइश के लिए बनाया गया। ठीक है, बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल इसको कहते हैं जो कि 1939 में सबसे पहले आया। 1955 में इसको वेस का नाम दिया गया। इसके अंदर जो है वो दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक को वर्बल टेस्ट कहते हैं और एक को परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। वर्बल टेस्ट की बात करें तो उसमें सबसे पहले मालूमात-ए-आमा यानी इंफॉर्मेशन है कि क्लाइंट को दुनिया के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है। इसमें 29 आइटम्स होते हैं और हर जवाब का दुरुस्त जवाब देने पर एक नंबर दिया जाता है। फिर कॉम्प्रीहेंशन है, इसमें 14 आइटम होते हैं। फिर मैथमेटिक्स है, इसमें 14 सवाल होते हैं। ठीक है, फिर सिमिलैरिटीज है कि दो चीजों में क्या सिमिलैरिटी है, जैसे बनाना और ऑरेंज में क्या सिमिलैरिटी है। इसमें 13 जोड़े होते हैं और आपने जो है उनको करना होता है। फिर हईता है, आदाद है। ठीक है, डिजिट स्पैन है कि आप एक वक्त में कितने डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। फिर वोकैबुलरी है, जखीरे अल्फाज है कि कितने अल्फाज के मैनी आपको आते हैं। फिर उसके बाद कारकर्दगी की आजमाइशें हैं जिसमें तस्वीरी तरतीब है, जिसमें तस्वीरों को तरतीब देना होता है आपने। ठीक है, ब्लॉक डिजाइन है, आपके पास वाइट में, ब्लैक में और रेड में ब्लॉक्स होते हैं, उनको आपने एक खास तरतीब से सीक्वेंस देना होता है और कोई बिल्डिंग या ब्लॉक बनाना होता है। आदाद और अलामात हैं। कोड सब्स्टिट्यूशन टेस्ट है, इसमें 1, 2, 3 को डिफरेंट कोड के साथ या डिजिट्स को डिफरेंट कोड के साथ जो है वो बता दिया जाता है और आपने फिर उन कोड्स को डिजिट्स में कन्वर्ट करना होता है या डिजिट्स को कोड में कन्वर्ट करना होता है। तस्वीरी तकमील कि आपको आधी तस्वीर दी जाती है और आपने उसको कंप्लीट करना होता है। तस्वीरी तरतीब की अज़ा की तकमील के जिस तरह से पजल टेस्ट होता है, आपको डिफरेंट पार्ट्स अलग करके दे दिए जाते हैं और आपने उनको जोड़ना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो बच्चों के लिए भी बैचलर ने जहानत की आजमाइश का स्केल बनाया जिसकी लेटेस्ट वर्जन 2014 में दी गई। ये टेस्ट जो है वो 45 से 60 मिनट्स में लिया जा सकता है, इसको विस्क भी कहते हैं। ठीक है, ये 5 बुनियादी इंडेक्स हमें फराहम करता है जिसमें वर्बल कॉम्प्रीहेंशन इंडेक्स है, विजुअल स्पेचुअल इंडेक्स है, फ्लूड रीजनिंग इंडेक्स है, वर्किंग मेमोरी इंडेक्स है और प्रोसेसिंग स्पीड इंडेक्स है। ठीक है, लफ्जी आजमाइशों की अगर हम बात करें तो उसमें मालूमात-ए-आमा यानी कि इंफॉर्मेशन, सावधानी यानी मैथमेटिक्स, फहम-ए-आमा यानी कि कॉम्प्रीहेंशन, मुशाबियात यानी कि सिमिलैरिटीज और ईता एदाद यानी कि डिजिट स्पैन और ज़खीरे अल्फाज यानी कि वोकैबुलरी शामिल है। जबकि परफॉर्मेंस टेस्ट में आदाद और अलामात यानी कि कोड सब्स्टिट्यूशन टेस्ट है, तस्वीरी तकमील, पिक्चर को कंप्लीट करना है, ब्लॉक डिजाइन है,
तस्वीरी तरतीब है, पिक्चर अरेंजमेंट है और अज्जा की तामील है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको इकट्ठा करके जो है वो शामिल करना है। फिर उसके बाद बिप्सी है जो कि छोटे बच्चों पे अप्लाई होता है। फिर रेमन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है जिसमें मैट्रिसेस होती हैं और आपने उनको कंप्लीट करना होता है। इसकी आगे से तीन किस्में हैं, ठीक है, जिनमें से एक जो है वो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है, एक कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है और एक एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है। फिर इसी तरीके से सोलोसोन इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, इसके अलावा गुड इनफ इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसको ड्राइंग टेस्ट भी कहते हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट है, आर्मी अल्फा है जो कि पढ़े लिखे लोगों और इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए बनाया गया, और आर्मी बीटा है जो कि अनपढ़ लोगों और जिनकी नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होते उनके लिए। बनाया गया, ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पर्सनालिटी असेसमेंट की अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी असेसमेंट के मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, बिहेवियरल असेसमेंट है, सेल्फ रिपोर्ट मैयज हैं और पर्सनालिटी टेस्ट हैं। तो अगर हम पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट और सब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट। ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ आइटम्स शामिल हैं, ठीक है, जैसे कि MMPI है, ठीक है, रॉटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक है। अगर हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात करें तो उसमें थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट है, रोशा इन प्लॉट टेस्ट है, चिल्ड्रन ए परसेप्शन टेस्ट है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है और इंक ब्लॉक टेस्ट है। सबसे पहले तजलीली आजमाइशें क्या होती हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं, दीज आर द इनडायरेक्ट मेजर्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। इन आजमाइशों के जरिए से फर्द अपनी पर्सनैलिटी की अक्कासी करता है। इन आजमाइशों में फर्द को अपने ख्याल आज़ादी से जाहिर करने दिए जाते हैं। इन आजमाइशों की मदद से शख्सियत के शौरी और लाशौरी पहलुओं का मुताला किया जाता है। इन आजमाइशों में बराह रास्त सवालात नहीं पूछे जाते हैं बल्कि एक ऐसा मवाद दिया जाता है जो कि एम्बिगुअस हो, मबम हो, अनक्लियर हो, यानी कि गैर वाज हो, जैसे कि तस्वीर है, ठीक है, स्याही के तब्बे हैं या ना मुकम्मल फिक्रात हैं, ठीक है, उसको हर बंदा अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके मानी दे सकता है। इसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं होता है बल्कि मामूल को जो भी रद्द अमल पेश करता है इसी की बना पर जो है वो उसकी दर्जाबंदी और वजाहत की जाती है, ठीक है। फ्रैंक एंड लिंजले ने इसमें तजलीली आजमाइशों में अहम किरदार अदा किया, ठीक है। इन आजमाइशों का जो बुनियादी फलसफा है वो ये है कि इन आजमाइशों के जरिए से फर्द के एहसास, उसकी जरूरियात, उसके मौरिकात, उसकी ख्वाहिशात और उसके अंदर जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स पाई जाती हैं उनका मुताला किया जा सकता है। इससे हम किसी के लाशऊर तक रसाई कर सकते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस तक पहुंच सकते हैं। यह आजमाइशें जहनी मरीजों और नॉर्मल अफराद के अनकॉन्शियस तक पहुंचने, यानी कि लाशौरी अवामिल को जानने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। इसमें जो आम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं उसमें थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट है, चिल्ड्रन ए परसेप्शन टेस्ट है, ठीक है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है और इंक प्लॉट टेस्ट है। सबसे पहले जो है वो थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट है। थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट हेनरी ए मरे और मॉर्गन ने इंट्रोड्यूस कराई थी। इसमें आमतौर पर आपको 20 या 30 तस्वीर दी जाती हैं और आपने उन तस्वीर के मुताबिक अपनी स्टोरीज लिखनी होती हैं। इससे मामूल की दिलचस्पियों, उसकी हसरतें, उसकी ख्वाहिशात, उसकी महरूमियाँ, उसके मनफी और मस्बत जज्बाती रद्द अमल, उसके अंदर कितना ऑप्टिमिज्म या पैसिमिज्म है, उसके एहसास क्या हैं, उसका आकमाना शख्सियत से ताल्लुक कैसा है, उसके जिनसी मशागिल क्या हैं, ठीक है, ये सब जो है वो इसके जरिए पैमाइश की जा सकती है। आमतौर पर ISSB जब होता है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बकौल गैरेट लोगास, आजमाइश में मामूल अपने जज्बात और तजर्बात को तस्वीर के मरकज से वाबस्ता कर देता है, यानी कि उस तस्वीर में वो अपनी शख्सियत की अकासी करता है और अपनी शख्सियत के मुताबिक जो है वो स्टोरीज लिखता है। इसमें तकरीबन 20 कार्ड्स होते हैं जिनमें 20 में पिक्चर्स होती हैं और एक ब्लैंक होता है। मामूल को तस्वीरी कार्ड तरतीब से दिखाई जाते हैं, ठीक है, और उनको मामूल को कहा जाता है, यानी सब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो इसके ऊपर एक कहानी तहरीर करे।
अगर हम इसकी अफादियत की बात करें यानी यूटिलिटी की बात करें तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि इसके जरिए हम किसी इंसान की मुकम्मल शख्सियत की अक्कासी होते हैं, ठीक है, और हम किसी की मुकम्मल शख्सियत को जान सकते हैं, शख्सियत के सास के साख के बारे में जा सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में जाना जा सकता है, बुनियादी अनासर को तलाश करने की बजाय फर्द की मौजूदा हालात की जांच पड़ताल की जाती है। इस टेस्ट की मदद से फर्द के पेचीदा और मुश्किल तरीन वाकयात और सोचों के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं। फर्द की शख्सियत के इन गोशों का भी इल्म होता है जिसमें फर्द का बिल्कुल अंदाजा ये खबर नहीं होती है। इस टेस्ट की मदद से फर्द में पाई जाने वाली किरदारी और वकूफी इमराज, ठीक है, अगर उसके अंदर किसी किस्म का मेंटल प्रॉब्लम है, चाहे उसकी शिद्दत एक्यूट है या क्रॉनिक है या स्लाइट है, तो उसका जायजा भी लिया जा सकता है। अगर इंसान किसी किस्म की एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार है तो उसका भी जायजा लिया जा सकता है। इसका एक फायदा ये भी है कि फर्द जब कहानी तहरीर करता है तो इस टेस्ट में वो भूल जाता है कि इससे उसकी पर्सनैलिटी को खरीदा जा रहा है, वो भूल जाता है कि कहानी तहरीर करते वक्त उसने फर्जी किरदारों के हवाले से अपनी जात के मुतालिक भी बहुत सारी बातें लिख दी हैं। शायद ऐसी मालूमात अगर हम डायरेक्टली उससे पूछें तो वो कभी भी ना दे, ठीक है, यानी कि बराह रास्त पूछें तो वो कभी भी ना दे, लेकिन क्योंकि ये बराह रास्त तरीका नहीं है, इनडायरेक्ट वे है, इस वजह से लोग अपनी बारे में तमाम बातें बता देते हैं, ठीक है। अब इसका तरीक़ेकार क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट को तस्वीरी कार्ड दिखाए जाते हैं, एक एक करके तस्वीर दिखाई जाती है, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि आप जैसी कहानी बना सकते हैं आप बनाएं। एक कहानी बनाने के लिए आपको तकरीबन 5 मिनट का वक्त दिया जाएगा, ठीक है। पहली दो नशस्तें होती हैं, पहली नशस्त में 10 कार्ड दिखाए जाते हैं और अगली नशस्त में अगले 10 कार्ड दिखाए जाते हैं। कुछ सवालात भी पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको तस्वीर में कौन सा वाक्य नजर आ रहा है, मौजूदा वाक्य के पस मंजर में कौन से वाक्यात हो सकते हैं, मुख्तलिफ अफराद जो तस्वीर में मसरूफ गुफ्तगू हैं इसमें आप हीरो का दर्जा किसको देंगे, तस्वीर में नजर आने वाले लोगों के जज्बात और एहसास क्या हैं, यानी कि अभी क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था और उसके बाद क्या होने वाला है, इस तमाम के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। फिर तस्वीरों का या जो स्टोरी आपने लिखी है उसका कंटेंट एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, पर्सनालिटी असेसमेंट का। मरे ने इंसानी शख्सियत को समझने के लिए समाजी और माहौली अवामिल को बहुत ज्यादा अहमियत दी, ठीक है। मरे के नज़दीक बुनियादी बात यह है कि ये देखा जाए कि फर्द अपने माहौल से किस तरीके से डील करता है, ठीक है, क्योंकि हर बंदे का अपने माहौल को डील करने के तरीके डिफरेंट होते हैं। ये भी देखना आम है कि फर्द की माहौल की जरूरियात क्या हैं, उसके रवैये क्या हैं और उसके जो इकदार हैं, ये तमाम बातें उसके ऊपर और उसकी पर्सनालिटी के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होती हैं। मरे के किरदार को, मरे के मुताबिक फर्द के किरदार को समझने के लिए उसकी उजवियाती जरूरियात को भी जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मरे ने फर्द के किरदार की नुमाया जो जरूरियात हैं उनको इम्पोर्टेंस दी और कहा कि हम इसके जरिए किसी की नीड्स को असेस कर सकते हैं। मरे के मुताबिक जो नीड्स हैं इसकी दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं बेसिक नीड्स और एक को कहते हैं सेकेंडरी नीड्स। जो बेसिक नीड्स हैं उसका ताल्लुक इंसान की बका से है जिसमें हमारी उजवियाती जरूरियात शामिल हैं, जबकि जो सामरी जरूरियात हैं इनका ताल्लुक आपकी नफसियाती नशोनुमा यानी कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में है और किस तरीके से डिफरेंट अवामिल जो है वो इसके ऊपर असरअंदाज होते हैं उनका मुतालिया जो है वो किया जाता है। अब इसमें ये जहन में रखें कि दूसरा अमल जो है वो प्रेस का है, इसमें प्रेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है रखता है। प्रेस से मुराद है फर्द के किसी माहौल की रुकावट, दबाव, मजामत या मुताबकत पैदा ना कर सके, यानी प्रेस से मुराद जो है वो उसके हालात व वाकयात हैं, ठीक है, माहौल है जो कि उसके ऊपर असरअंदाज हो सकता है। नीड्स और प्रेस के तामुल से जो किरदार उभरता है उसको उसने थीमा का नाम दिया। किसका नाम दिया? थीमा का। थीमा क्या है? प्रेस और नीड के तामुल से जो किरदार उभरता है थीमा कहलाता है, ठीक है। तो मुख्तसरन जो नीड्स हैं, प्रेस है और थीमा है, ठीक है,
उसका जायजा जो है वो टीएटी की स्टोरीज के जरिए लिया जाता है। अब इसमें हीरो बुनियादी किरदार अदा करता है। हीरो कौन होता है? जिसको सेंट्रल रोल आपने अपनी स्टोरीज में दिया होता है, कहानियों के तज्जियों में हीरो का तयन या पहचान इस बात से हो जाती है कि मामूल ने कहानी के किस किरदार में ज्यादा दिलचस्पी ली है, कहानी में कौन सा किरदार मामूल से मुशाबियत रखता है, मामूल का किरदार किसके ख्यालात और मुहरकात की अक्कासी करता है, कहानी में हीरो क्या है। हीरो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब माहिर मामूल की कहानी का तज्जिया करता है तो वो ये देखता है कि उसकी कौन सी सफात हैं। एक तो ये है कि क्या हीरो ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, क्या वो इंफ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है या सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, यानी कि उसमें एहसास कमतरी या बरतरी तो नहीं है, क्या हीरो में किसी किस्म का एहसास जुर्म पाया जाता है, क्या माजी को लेकर उसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, क्या हीरो के अंदर कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं, हीरो क्या सोचता है, और वो क्या महसूस करता है, उसके अंदर जज्बातीपन कितना है, क्या वो बहुत ज्यादा इमोशनल तो नहीं है, उसके अंदर एग्रेशन कितना है, गुस्सा कितना है, जारे कितना है वो, उसके रोजनात कौन कौन से हैं, उसमें गैर मामूलीपन यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज कौन सी हैं, और उसका ओवरऑल बिहेवियर या तर्ज अमल क्या है। इसमें जरूरियात का जायजा भी लिया जाता है। मरे ने जरूरियात की फहरिस्त मुरतब की और 28 बेसिक नीड्स हैं जिनको बेसिक या सेकेंडरी नीड्स हैं जिनको असेस किया जाता है और उसके मुताबिक इनकी स्कोरिंग की जाती है। प्रेस से मुराद माहौली दबाव है। इससे मुराद ये है कि वाजे हो जाए कि हीरो की जो जरूरियात या ख्वाहिशात हैं उनके रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें हैं, ठीक है, उसके बारे में मालूमात जो है वो ली जाती हैं। फिर मरकजी ख्याल यानी कि थीमा है। थीमा जो है वो जरूरियात माहौली दबाव के तामुल से तश्कील पाता है और ये तामुल ही वाजे करता है कि मामूल की बयान करदा कहानियाँ उसके किन मसाइल के गिर्द घूम रही हैं, हीरो को नाकामी मिली है या कामयाबी मिली है, और अगर नाकामी मिली है या कामयाबी मिली है तो उसमें मोहब्बत, दुश्मनी, सजा, तजस्सुस, जुर्म का जिक्र कितना है, उनका तजिया किया जाता है। कहानी के मरकजी ख्याल को थीमा कहा जाता है। इसमें मरीज या जो भी क्लाइंट है आपका या जो भी बंदा जिसकी थीमेटिक एक परसेप्शन टेस्ट जिसके ऊपर अप्लाई किया जाता है उसके इंटरेस्ट और सेंटीमेंट्स को भी स्टडी किया जाता है। मामूल की बयान करदा कहानियों में मामूल के जज्बात, उसके एहसास और उसकी दिलचस्पियों को देखा जाता है। मामूल की दिलचस्पियां मस्बत हैं या मनफी, इनका जायजा लिया जाता है। इन दिलचस्पियों और जज्बात के हवाले से फर्द का किरदार किस तरफ जा रहा है उसका भी जायजा लिया जाता है। नतायज का भी जायजा लिया जाता है। इसमें देखा जाता है कि मामूल की नीड्स और रुकावट में कौन ज्यादा ताकतवर था, यानी कि क्या उसकी जरूरियात पूरी हो गई, ठीक है, फर्द के ऊपर गलबा जरूरत का रहा या रुकावट का रहा, या वो उसने रुकावटों को इतना मुश्किल जाना कि उसको जो है वो जो कुछ हासिल करना चाहता था वो हासिल नहीं कर सका। इससे मामूल को कामयाबी हासिल हुई या नाकामी हासिल हुई, फर्द की जिंदगी में जो खुशगवार वाकियात हैं उसका तनासब कितना है और जो ना खुशगवार वाकियात हैं उनका तनासब कितना है, ये भी देखा जाता है, ठीक है। यानी कि आप जीत रहे हैं, आप हार रहे हैं, आप परेशान हैं या आप खुश हैं, क्या इतनी जो मुश्किलात आई हैं उसके बाद क्या वो उनको हल करने के काबिल भी हुआ है या नहीं हुआ, इन तमाम मराहिल से गुजर कर जब मालूम की बयान करदा हर कहानी का तज्जिया किया जाता है तो मामूल यानी सब्जेक्ट के बारे में मालूमात वसी बनाने पर हासिल हो जाती हैं, जिनसे मामूल की ख्वाहिशात को, उसकी रुकावटों को, उसकी जरूरियात को, उसकी मुश्किलात को और उसके मसाइल के बारे में इल्म हो जाता है और उनकी रोशनी में उसकी शख्सियत की जांच पड़ताल की जाती है। फिर नेक्स्ट जो है वो चिल्ड्रन ए परसेप्शन टेस्ट है। चिल्ड्रन ए परसेप्शन टेस्ट में 10 कार्ड्स होते हैं और ये बच्चों के लिए मुरतब की गई हैं। ये 3 से 10 साल तक के बच्चों के लिए इस्तेमाल की गई हैं। इसमें इंसानों की बजाय जानवरों की तस्वीरें होती हैं क्योंकि बच्चे जो है वो जानवरों से ज्यादा मानूस होते हैं, उनको पसंद भी करते हैं। कहानी के दौरान बच्चे खुद को जानवरों से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इस तरह से वो अपनी जात का इजहार जो है वो
आसानी से कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक पर्सनालिटी असेसमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ISSB में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नामुकम्मल फिक्रों की आजमाइश इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें 40 इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं जिसको क्लाइंट जो है उसको फिल करता है। इसके जरिए हम किसी की डिग्री ऑफ एडजस्टमेंट को मेजर कर सकते हैं। अगर किसी इंसान का स्कोर 135 से ज्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी सोसाइटी में या अपने घर में एडजस्टेड नहीं है। ठीक है, वो मेल एडजस्टमेंट का शिकार है। और अगर किसी का स्कोर 135 से बिलो हो तो इसका मतलब ये है कि वो अपने माहौल में बेहतर तरीके से एडजस्टेड है। जब हम इसकी स्कोरिंग करते हैं तो इसमें तीन तरह के से स्कोरिंग होती है, कॉन्फ्लिक्टिंग, पॉजिटिव और न्यूट्रल। सबसे पहले जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। अगर किसी ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है तो उसको 0 नंबर देते हैं दिया जाता है। उससे कम पॉजिटिव है तो 1 दिया जाता है। उससे कम पॉजिटिव है तो 2 दिए जाते हैं। अगर किसी ने न्यूट्रल रिस्पॉन्स दिया है तो 3 दिए जाते हैं। अगर किसी ने थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट का इजहार दिया है तो 4 नंबर दिए जाते हैं। अगर किसी ने दरमियानी कॉन्फ्लिक्ट का इजहार दिया है तो 5 दिए जाते हैं। अगर किसी ने बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट का इजहार किया है तो उसको 6 नंबर दिए जाते हैं। यानी कि मैक्सिमम स्कोर जो इसमें पॉसिबल है वो 240 है और जो मिनिमम स्कोर पॉसिबल है वो 0 है। ठीक है, अगर न्यूट्रल है यानी कि ना तो पॉजिटिव है ना कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको 3 नंबर दिए जाते हैं। अगर किसी ने बहुत लंबी तहरीर लिखी है तो उसको कॉन्फ्लिक्टिंग साइड में स्कोर किया जाता है। ठीक है, और इससे इंसान के समाजी, निजानी और जिनसी रवैयों का भी पता चलाया जाता है। ठीक है, और फिक्रात इसमें इस तरह के होते हैं, जैसे सोते वक्त में आगे डैश इसको आपने फिल करना है, स्कूल आगे डैश माँ आगे डैश, घर वापसी पर आगे डैश, मेरे आसाब आगे डैश, मेरा बचपन आगे डैश, मेरी जिंदगी आगे डैश। यानी इस तरह के सवालात होते हैं और आपने इनको हल करना होता है। ठीक है, और जो स्कोरिंग तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर किसी इंसान का स्कोर 135 से ज्यादा हो तो वो मेल एडजस्टेड होता है। ठीक है, और अगर कोई इंसान बीच में छोड़ता है तो उसको सॉल्व करने के लिए भी एक फार्मूला है जिसको 40/40 माइनस जितने भी मिस किए हैं, ठीक है, ये शामिल है। इसके जरिए हम इस्तेमाल करते हैं और किसी भी शख्सियत का जायजा लिया जाता है। ठीक है, फिर बर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ये गाल्टन ने 1879 में इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, और इसके जरिए भी एबनॉर्मल जो लोग होते हैं और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी पैमाइश की जा सकती है। इसमें कार्ल जोंग का किरदार बहुत ज्यादा अहम है, जिन्होंने 1906 में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के हवाले से 100 अल्फाज पर मुश्तमिल एक लफ्जी तलाजुम की आजमाइश तैयार की। ठीक है, जो इंसान के जज्बात की नुमाइंदगी करती थी। फिर उसके बाद कैंट रोजनोफ का टेस्ट है, उन्होंने इसको बेहतर अंदाज में पेश किया। इसमें टेबल, ठीक है, वाटर, रोज, इस तरह के मतलब वर्ड्स होते हैं और आपके जहन में जो भी वर्ड आए वो आपने उसका जवाब में देना होता है। उन्होंने लफ्जी तलाजम की आजमाइश से फर्द की फर्द और नफ्सियाती मरीज की हालत में फर्क वाजे किया। उन्होंने योंग से मुख्तलिफ अल्फाज शामिल किए, वो सिर्फ जज्बाती मसलों को जाहिर करने के लिए मुंतखब नहीं किए गए बल्कि खसूसियात में भी वो गैर जानबदार थे। यानी कि नॉर्मल सेंटेंसेस थे, नॉर्मल वर्ड्स थे जिनके बारे में इंसान की शख्सियत को जांच पड़ताल की जाती थी। ठीक है, इसमें फर्द से यानी कि जो मामूल है उससे फहरिस्त में से एक लफ्ज़ पूछा जाता है और मामूल से कहा जाता है कि लफ्ज़ की सुनते ही जो भी तसव्वुर, ख्याल या जो कुछ भी जहन में आए उसको बगैर किसी रोक टोक के, बगैर तब्दील किए आपने फौरन से बोलना है। इसमें किसी किस्म का कोई सही या गलत जवाब नहीं होता है। फेरिस में जब लफ्ज बोला जाता है तो उसके रद्दअमल में मामूल जो जवाब देता है इसके रद्दअमल के वक्त गुफ्तगू और लोगों के किरदारी अमल को जो उस दौरान होता है उसको नोट कर लिया जाता है। इसमें मामूल या मरीज अपने जज्बाती रद्दअमल को जाहिर करता है और जो भी उसके अंदर फिजिकल चेंजेस आती हैं उसको भी नोट किया जाता है। मसलन अगर कोई लंबा सांस लेता है, सांस लेने में थकना है, चेहरे पर सुर्खी दूर करने की कोशिश करता है,
खून का दबाव बढ़ जाता है या कट जाता है, खांसता है, ठीक है, आहिस्ता बोलना शुरू कर देता है, ठीक है, इधर उधर देखना शुरू कर देता है, या लुप्त यानी स्टटर करना शुरू कर देता है, तो इन तमाम को बहुत ही कॉशियसली ऑब्जर्व किया जाता है। कार्ल जंग का यकीन था कि महज अल्फाज के अंदर जज्बाती असर आपको जाहिर करते हैं, इस तरह इसके रद्द अमल का इत्मीनान, रद्द अमल का वक्फा और उसकी जज्बाती शिद्दत का तजिया करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये था क्या था, ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जो कि मुख्तलिफ शोबों में साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है रोशाइन ब्लड टेस्ट, ये स्याही के धब्बों का टेस्ट है। ठीक है, इस आजमाइश का मकसद फर्द की शख्सियत के बारे में मुख्तलिफ हवालों से उसकी शख्सियत को जांचना है, यानी इस टेस्ट की मदद से फर्द के लाशोरी अवामिल जिन पर वो बहुत ज्यादा जोर देता है उसका पता लगाया जाता है, मामूल की शख्सियत की साख और अपने मामूल अपने माहौल से किस तरीके से डील करता है इसका जायजा लिया जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, उसके लाशोरी अमाल और माहौल से वो किस तरीके से नबर्द आजमा होता है, और उसको जांचने के लिए ये आजमाइश जो है वो तैयार की गई। इस आजमाइश को मुतारिफ करवाने का सेहरा हरमन रोशा को जाता है, जिन्होंने 1911 में इसके ऊपर काम करना शुरू किया और 1921 में इसको शख्सियत की आजमाइश के हवाले से मुतारिफ कराया। ठीक है, इनका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से था लेकिन बदकिस्मती से यंग एज में ही इनकी डेथ हो गई। इसमें 10 धब्बों का कार्ड होते हैं, ठीक है, जो कि दो मुनासिब शक्लों में होते हैं। 5 कार्ड मुख्तलिफ अक्स वाले काले और सफेद रंगों में होते हैं, जबकि जो 5 कार्ड होते हैं वो मुख्तलिफ रंगों में होते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, स्कोरिंग इसमें किस तरीके से की जाती है, 10 कार्ड को दिखाने के बाद जेके बाद दीगरे कार्ड दिए जाते हैं, दोबारा कार्ड दिए जाते हैं, मामूले के जवाबों को नोट कर लिया जाता है। इस आजमाइश में वक्त की कैद नहीं है और रोशन ने ना ही कार्ड पर कोई मखसूस नंबर दिया है। कार्ड दिखाते वक्त जो जो मामूल जो जवाब देता है, ठीक है, इसको नोट कर लिया जाता है। हर मामूल के जवाब को 3 पहलुओं की बजात से नंबर दिए जाते हैं, अगर तब्बे मौले बकू यानी जगह सिर्फ और माफिया को सही वाजह करते हैं, या कार्ड के तमाम तब्बों से किसी जगह का पता चलता है, या इसके किसी हिस्से से उसके मौले बकू का इल्म होता है। बात सिंपल सी है, ये देखा जाता है कि जो मामूल ने जवाब दिया है वो पूरे इंक प्लॉट को देख कर दिया है, दरम्यान से देख कर दिया है, साइड से देख कर दिया है, किसी खास चीज को देखने के बाद दिया है। ठीक है, इस तरह ये देखा जाता है कि कोई सिर्फ जिसने मामूल को जाहिर किया है वो थब्बी की सूरत की वजह से है, यानी फॉर्म की वजह से है, कलर की वजह से है, उसके बने हुए किसी रिफ्लेक्शन की वजह से है, या अगर कोई मूवमेंट हो रही है उसमें तो उसकी वजह से है। तीसरा पहलू जो है वो माफिया है, इस शय का इजहार है, यानी कि कौन सी शय उसको नजर आ रही है, कोई इंसान नजर आ रहा है, कोई पौधा नजर आ रहा है, कोई जानवर नजर आ रहा है, कोई परिंदा नजर आ रहा है, या उसको क्या नजर आ रहा है। मारिन नफ्सियात ने जवाब के सिलसिले में चंद नतायज अखज किए हैं जो कि मंदरजा झैल हैं। अगर के मामूल के जवाब तवील हों तो फर्क के बारे में कहा जाता है कि वो फितरी और अमली चीजों का शायक है, यानी कि शौक रखता है, और अमली जो है उसकी कमी है। अगर वो छोटी छोटी तफसीलात पर जवाब देता है तो ये नतीजा निकाला जाता है कि वो डेप्थ में चीजों को देखता है और मामूली चीजों में मसरूफ रहता है। अगर मामूल के जो बात किसी हरकी शय पर मबनी हो तो इसका मतलब ये है तो कि वो किसी किस्म के वहम का शिकार है या उसको कोई शक व शुबा है, यानी वो इसका आदि है। अगर मामूल के जवाब बहुत ज्यादा रंगत पर मबनी हो यानी कलर्स को देखकर रिस्पॉन्ड करे तो उसका मतलब यह है कि वो एक आम शख्सियत का हामिल है और उसके अंदर किसी किस्म की इमोशंस हावी हैं, यानी कि हैजानी कैफियत में वो मुब्तला है। यहाँ ये बात याद रखी जाए कि मूमन जवाबों की वजाहत या ताबीर किसी एक अलामत पर नहीं होती, जवाबों का मुकाबला एक दूसरे से किया जाता है। ठीक है,
फिर तस्वीरी आजमाइशें हैं, ड्राइंग टेस्ट है। ड्राइंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हाउस ट्री पर्सन है, वुमन फिगर ड्राइंग टेस्ट है, ठीक है, ड्रा पर्सन टेस्ट है, ठीक है। इसमें मामूल को तस्वीर बनाने के लिए कहा जाता है। मामूल तस्वीर बनाते वक्त किस तरह का रद्द अमल जाहिर करता है, कितना वक्त लगाता है, कितनी दफा तस्वीर को मिटाता है और फिर बनाता है, लकीरों को कितना वाजे करता है या गैर वाजे करता है, ठीक है, तस्वीर कशी करता है, मुकम्मल या नामुकम्मल अशकाल, तस्वीर बनाते वक्त फर्द की गुफ्तगू और उसके इस्तदलाल को मद्देनजर रखा जाता है, ठीक है, और उसको सादा कागज और पेंसिल जो है वो दी जाती है। फिर नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात करें, यानी कि ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स और पर्सनालिटी असेसमेंट की बात करें, तो ये भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसमें किसी इंसान की पसंद नापसंद, उसकी राय और उसके बिलीव्स को, ठीक है, देखा जाता है, उसको साइड पर रखकर ऑब्जेक्टिवली किसी की शख्सियत को जो है वो जांच करने की कोशिश की जाती है। इसमें फर्द की शख्सियत को जांचने के लिए वाज़े ऑब्जेक्टिव और मियारी अंदाज इख्तियार किया जाता है। इसमें इंटरव्यू, मारूजी सवालनामे या ज़ाती जायजे की फहरिस्तें यानी कि सेल्फ रिपोर्ट इंक्लूड किए जाती हैं, यानी कि सेल्फ रिपोर्ट या क्वेश्चनेयर यूज किए जाते हैं। इस तरह की आजमाइशों में एक और तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको फोर्स्ड चॉइस टेक्निक भी कहते हैं। इसमें आपको दो सेंटेंसेस दिए जाएंगे और आपने उन दोनों में से किसी एक को लाजमी चुनना होता है, ठीक है, जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, या आई लाइक टू वॉश द डिशेस। तो इन दोनों में से किसी एक को आपने लाजमी चुनना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी की भी शख्सियत का जायजा लेते हैं। अगर वो बयानात फर्द की जात से मुतालिक हों तो उनको दो में से एक का इंतखाब करना होता है जो उसके नजदीक ज्यादा बेहतर हो, यानी इन दोनों बयानात में से जो भी उसके मजाज से ज्यादा मुताबकत रखता हो उसके ऊपर निशान लगाना होता है। गैर तजलीली आजमाइशें या मारूजी आजमाइशें मदरजा जैल हैं, जिसमें सबसे पहले 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है। इसके जरिए शख्सियत की 16 सिफात का जायजा लिया जाता है। इसको सबसे पहले कटेल इंट्रोड्यूस कराया था और इसकी मदद से हम किसी इंसान के 100 ट्रेट्स का मुताला करते हैं, ठीक है, ट्रेट्स और साफ शख्सियत जो है वो ट्रेट्स का मजमुआ है और ये पैमाइश शख्सियत की बुनियादी औसाफ को जामे तरीके से असेस करती है, ठीक है, और इसको मौलजाती मकासद के लिए इस्तेमाल भी नहीं किया जाता बल्कि नॉर्मल लोगों की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर मिनेसोटा मल्टीफेसेटिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल और एबनॉर्मल लोगों में शख्सियत की जानकारी हासिल करनी हो तो आप मिनेसोटा मल्टीफेसेटिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ऐसी नफसियाती आजमाइश का टेस्ट नहीं है जिसमें MMBI को इंक्लूड ना किया गया हो, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आपने जो है वो किसी पुलिस में सीनियर पोस्ट पर भर्ती होना हो, चाहे आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में कमीशन के लिए अप्लाई करना हो, कहीं पर भी विदाउट MMBI जो है वो टेस्ट नफसियाती जाँच पड़ताल जो है वो नहीं की जाती। यानी ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें टोटली 550 स्टेटमेंट्स हैं जिनको कम करके 399 बाद में कर दिया गया, ठीक है। हाथवे और मैकनले ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। सबसे पहला जो स्केल है वो 1934 में दिया गया, ठीक है, फिर उसके बाद 1951 में इसमें रिवीजन की गई जो कि आज तक की जाती जा रही है। इसको चेक करने के लिए 4 वैलिडिटी स्केल इसमें अंदर है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन स्कोर है। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा कैनर्ट्स के से पर टिक करे तो इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन स्कोर है। लाइव स्कोर, ठीक है, कितने बयानात में फर्द ने झूठ का सहारा लिया वो इसके जरिए किया जाता है, ठीक है। एफ स्कोर, अगर किसी ने लापरवाही से जवाब दिए या तवज्जो दिए बगैर जवाब दिए तो उसको एफ स्कोर के जरिए मैयर किया जाता है। के स्कोर, अगर आप मामूल हद से ज्यादा बेतकल्लुफ हैं या बहुत ज्यादा मोहतात हैं तो उसको चेक करने के लिए
के स्कोर का सहारा लिया जाता है और इसमें 10 पर्सनालिटीज को भी मैयर किया जाता है जिसमें हाइपोकॉन्ड्रियोसिस है। अगर इस स्केल में 5 का स्कोर ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि इंसान हाइपोकॉन्ड्रियोसिस का शिकार है, यानी कि इंसान के अंदर जिस्मानी अफाल और छोटी छोटी अलामत को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने का शौक है, यानी से मामूली सा सर में दर्द हुआ और आपने तूफान सर में उठा लिया कि मुझे कोई बहुत सख्त बीमारी हो गई है। फिर डिप्रेशन का स्केल है, अगर इसमें इंसान का स्कोर ज्यादा आता है तो इसका मतलब ये है कि इंसान डिप्रेशन का, अफसुर्दगी का और सैड मूड का शिकार है। हिस्टेरिया का स्केल है, अगर इसमें ज्यादा स्कोर आता है तो इसका मतलब ये है कि इंसान हिस्टेरिया का मरीज है। साइकोपैथिक डेविएट है, ठीक है, इस स्केल पर ज्यादा स्कोर समाज दुश्मन अनासर की निशानदेही करता है। इंटरेस्ट स्केल यानी कि सेंस के मुखालिफ में कितनी दिलचस्पी है, अगर इसमें स्कोर ज्यादा हो तो इसमें इंसान की मर्दांगी या उसकी निस्वानियत का टेस्ट हो जाता है, ठीक है। पैरानोया है, ठीक है, इसमें अगर स्कोर ज्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि इंसान सस्पिशियस है, वो शक में रहता है, उसको शुबा होता है कि लोग उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उसको मारना चाहते हैं या उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इसके अलावा साइकोथीमिया है, ठीक है, शिज़ोफ्रेनिया है, हाइपोमेनिया है और सामाजिक दिलचस्पी है, ठीक है। इसमें सामाजिक दिलचस्पी में ज्यादा स्कोर करने वाले लोग सामाजिक ताल्लुकात से गुरेजा होते हैं, ठीक है, और ये आमतौर पर ये सारे जो डिफरेंट टेस्ट हैं जो कि MMBI में यूज किए जाते हैं। फिर मिलन क्लिनिकल मल्टा एक्सेल इन्वेंट्री है, इसमें 175 स्टेटमेंट्स हैं जो कि सही और गलत पर मबनी है। इसको 1970 में थियोडोर मिलन ने इंट्रोड्यूस कराया था। इसमें 11 स्केल हैं जिसमें से 9 जो है वो वैलिडिटी स्केल हैं। जो टेस्ट इसम के जरिए मैयर किया जाता है उसमें अवॉइडेंट पर्सनालिटी है, डिपेंडेंट पर्सनालिटी है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, हाइपोमैनिक पर्सनालिटी है, कंपल्सिव पर्सनालिटी है, पैसिव एग्रेसिव पर्सनालिटी है, एंटी सोशल पर्सनालिटी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है EBPS, इसमें 225 पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। आपने उन दो जो स्टेटमेंट हैं उनमें से किसी एक को चुनना होता है। इस तरह से पता चल जाता है कि ये जो 15 पर्सनालिटी के इम्पोर्टेंट शोबे हैं उनमें से कौन सा आपके अंदर ज्यादा है और कौन सा आपके अंदर कम है। उनमें गलबा पसंदी यानी कि डोमिनस, खुद मुख्तारी यानी कि ऑटोनोमस, तहसील यानी कि अचीवमेंट मोटिव, कुव्वत बर्दाश्त यानी कि एंड्योरेंस, नमूदो नमाइश यानी कि एग्जिबिशनिज्म और सलीका मंदी और नर्चरेंस वगैरह शामिल हैं, ठीक है। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, बड़े अच्छे से पर्सनालिटी को असेस कर सकता है, ठीक है। जिनको अवेलेबल हो इसको लाजमी इस्तेमाल करें, आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट है कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री, नॉर्मल लोगों को इसके ऊपर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए पर्सनैलिटी की 18 शख्सियत के औसत की पैमाइश की जा सकती है। इसको ग्रोफ में मुतारिफ कराया था। इसके जरिए हमें किसी भी इंसान की शख्सियत की दर्जा बंदी कर सकते हैं और उसकी पर्सनालिटी को असेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिवाइज न्यू पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको कॉस्ट और मैक्री ने 1982 में मुतारिफ कराया था। ये 5 फैक्टर मॉडल पर बेस्ड है। इसके जरिए हम फर्द की शख्सियत के 5 अवामिल की जो है वो स्टडी करते हैं, जिनमें से न्यूरोटिसिज्म, एक्सट्रावर्जन, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, एग्रीएबलनेस और कॉन्सेंटियसनेस शामिल हैं। ये 224 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, ठीक है, और हर डोमेन के 48 टेस्ट हैं या स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और उनको 5 दर्जाती स्केल में मैयर किया जाता है।
क्लिनिकल नफ्सियाती टेस्ट हैं जिसमें बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी और बैक एंजाइटी इन्वेंटरी शामिल हैं। इसके अलावा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, ठीक है, जो कि किया जाता है। माहिर मौलजाती नफ्सियात यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मुशाहदे के जरिए फर्द के किरदार को परखने और जांचने का माहिर होता है। क्लिनिकल इंटरव्यू भी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस इंटरव्यू में मौलज मरीज के किरदार के मुख्तलिफ एरियाज का मुशाहदा करता है, उसकी जारी सूरत हाल, उसका किरदार, उसका मूड, उसकी परसेप्शन यानी कि दराक, उसकी इंसाइट यानी कि बसीरत, उसका हाफजा यानी कि मेमरी और उसकी गुफ्तगू को देखा जाता है। इसके अलावा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि उसकी स्क्रीनिंग हो सके। बैक एंजाइटी इन्वेंट्री से जो है वो किसी इंसान की एंजाइटी का पता लगाया जा सकता है और डिप्रेशन को मेजर करने के लिए जंग डिप्रेशन इन्वेंट्री और बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री अहम टेस्ट हैं। इसके अलावा बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट, ठीक है, बेंटन विजुअल रिटेंशन टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट है, क्लॉक टेस्ट भी इसमें इस्तेमाल होता है ताकि हमें पता चल सके कि उसकी न्यूरो मोटर कोऑर्डिनेशन कैसी है, उसके अंदर कोई कोई दिमागी चोट की वजह से या कोई एक्सीडेंट की वजह से उसका उसके अंदर कोई काम करने की सलाहियत में फर्क तो नहीं आ गया, ठीक है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट इन नफ्सियाती अफाल की पैमाइश करता है जिनका ताल्लुक दिमाग से होता है या दिमाग के असबी राबतों से होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है ये सारी जितने भी अभी हमने पढ़ी हैं ये है साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स का ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो टूल है, इसको आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। और जो है अगर इस हवाले से कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।